Hello friends, welcome to Efficient Learning World. So in this video we will see how to make a word searching puzzle game in C++. ठीक है, तो हम आज के इस प्रोग्राम में हम प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि आखिर हम वर्ड सर्चिंग गेम पजल गेम हम कैसे बना सकते हैं अपने C++ में। इससे जो पिछली वीडियो थी प्रोजेक्ट था उसमें हमने देखा था कि हमने नंबर सर्चिंग नंबर गैसिंग गेम भी देखी थी। उससे पहले हमने एक जो कलरफुल प्रिंट है वो हमने प्रिंट करवा के दिखाया था कंसोल के ऊपर, और हमने वॉइस डिफरेंट सॉन्ग्स म्यूजिक्स हमने प्ले करवाए थे C++ के प्रोग्राम्स के थ्रू। तो आज जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है हमारा वर्ड सर्चिंग पजल गेम है। ठीक है, हमें एक फॉर एग्जांपल एक पजल दी जाएगी और उसके अंदर से हमने एक स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करना होगा, और अगर हम सर्च सही कर लेते हैं तो हमें एक स्कोर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि आज हम अपने इस प्रोजेक्ट में ये गेम कैसे बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि एक नेम का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, जिसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग, और उसका नाम रख लेता हूँ स्ट्रिंग का। अब ये मैं वेरिएबल क्यों बना रहा हूँ, बेसिकली जैसे ही आप इनपुट करते हैं यानी आप जैसे गेम प्ले करते हैं तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, आपका नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसी के लिए बेसिकली मैंने एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग का। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट लाइन शो करूँगा कि एंटर इनपुट नेम। ठीक है, यानी कि जो प्लेयर का नाम होगा वो यहाँ पर इनपुट होगा। अब मेरे पास दो मेथड्स हैं, एक तो मेरे पास ये मेथड है कि मैं सिंपली लिख दूँ सी इन नेम, या मेरे पास दूसरा मेथड ये है कि मैं यहाँ पर गेट लाइन यूज़ करूँ और यहाँ पर लिखूँ सी इन नेम। ठीक है, जो कि इसका सिंटैक्स है बेसिकली। तो मैं यहाँ पर बेसिकली करने के वाला हूँ, मैं यहाँ पर गेट लाइन यूज़ करने वाला हूँ। मैं गेट लाइन यहाँ पर क्यों यूज़ करूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रिंग है, और जो सी इन अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के यानी कि स्पेस से पहले जितना भी इसको स्ट्रिंग मिलेगा ये वो तमाम जो है वो नेम के अंदर स्टोर करवा देगा। मगर अगर जो गेट लाइन अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग रीड करेगा और इस पूरी स्ट्रिंग को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई नाम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेनरी बट। ठीक है, तो अब ये देखिए मेरे पास फॉर एग्जांपल ये नाम है, तो अगर मैं सी इन यूज़ करूँगा तो हेनरी सिर्फ और सिर्फ नेम के अंदर जाएगा, मगर अगर मैं गेट लाइन यूज़ करूँगा तो ये क्या होगा, हेनरी बट जाएगा नेम के अंदर। तो इस वजह से मैं सी इन यूज़ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर गेट लाइन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमने क्या करना है। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, यूज़र से एक इनपुट ले ली। अब मुझे दूसरी क्या चीज़ चाहिए, मुझे एक स्कोर का वेरिएबल भी चाहिए होगा जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, यूज़र का स्कोर स्टोर करवाता जाऊँगा कि जितना अगर वो सही वर्ड गेस कर लेता है तो हम उसका स्कोर जो है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लें। ठीक है, और एक और मैं वेरिएबल लेता हूँ और उसकी डाटा टाइप मैं रखता हूँ करेक्टर, और उसके मैं नाम रखता हूँ इनपुट। ठीक है, अब मैंने ये वाला करेक्टर का इनपुट क्यों यूज़ किया, बेसिकली जैसे ही हम कोई भी गेम प्ले करते हैं तो जैसे जब वो गेम एंड होने लगती है, ठीक है, तो वो हमसे पूछता है कि क्या आप दोबारा से खेलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू प्ले अगेन और नोट। ठीक है, आप येस और नो करते हैं, तो उसी के लिए बेसिकली मैं यहाँ पर एक लूप यूज़ कर रहा हूँ और उसकी कंडीशन मैं यहाँ पर लगाऊंगा कि जब तक यूज़र इन के इस वेरिएबल इनपुट के अंदर नोट इज इक्वल टू एन आ जाए। ठीक है, यानी कि जब तक इसके अंदर एन इनपुट ना कर दे यूज़र, ये क्या होगा, गेम दोबारा दोबारा प्ले होती रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वुड यू लाइक टू प्ले अगेन। ठीक है, और यूज़र को मैं दो ऑप्शन शो करता हूँ, वाई फॉर येस और एन फॉर नो। ठीक है, और यहाँ पर यूज़र इनपुट करेगा कि वो क्या करना चाहता है, या तो वो वाई एंटर करेगा और या तो एन एंटर करेगा। ठीक है, अगर वो एन एंटर करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा इनपुट के अंदर एन स्टोर हो जाएगा और ये देखेगा कंडीशन में क्या है, इनपुट के अंदर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एन नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसका मतलब है ये बाहर आ जाएगा और लूप से एग्जिट होगा और गेम एंड हो जाएगी। मगर अगर फॉर एग्जाम्पल यूज़र वाई एंटर करता है तो यहाँ पर क्या होगा, वाई नॉट इज इक्वल टू एन, तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है, तो ये दोबारा से प्ले गेम होती रहेगी। ठीक है, यहां पर हमारा कुछ गेम का कोड लिखा होगा। ठीक है, यहां पर हमारा होगा गेम का कोड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा ये डन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कमेंट को मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, यूज़र से पूछा जाएगा कि नेम क्या है। ठीक है, और जैसे वो नाम अपना फॉर एग्जांपल हेनरी एंटर करेगा तो यहाँ पर उससे पहले क्या होगा, यहाँ पर कुछ गेम का कोड होगा और उसे लास्ट में पूछा जाएगा कि वो गेम दोबारा से प्ले करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर वो वाई एंटर करेगा तो दोबारा से गेम प्ले हो जाएगी, और अगर वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एन एंटर करता है तो क्या होगी, सिंपली गेम जो है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, और गेम एंड होने के बाद हम ऐसा करते हैं कि जो यूज़र है उसका नाम हम प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, और उसका स्कोर भी। ठीक है, सी आउट, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेम, और यहाँ पर लिखता हूँ योर स्कोर इज। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्कोर प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि सी आउट एक एंडलाइन कर देता हूँ ताकि फॉर्मेटिंग ठीक रहे। ठीक है, और यहाँ पर मैं एंडलाइन करने के बाद ऐसा करता हूँ कुछ स्टार्स लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एंडलाइन है। ठीक है, एंडलाइन, और यहाँ पर कुछ स्टार्स ताकि फॉर्मेटिंग रहे। ठीक है, आप अपनी जैसा भी आपको सूट लगे आप उस तरह से इसको मॉडिफाई अपने कोड को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ स्टार्स लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंडलाइन। ठीक है,
ठीक है। तो हमारा ये तो तकरीबन प्रोजेक्ट यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने डिजाइनिंग वगैरह किया और यूजर से उसका जो नेम है वही अभी तक मैंने इनपुट में मांगा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे गेम का कोड लिखना है। ठीक है, गेम के कोड से पहले मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर लिख लेता हूँ सिस्टम CLS। ठीक है, अब इस सिस्टम CLS का क्या मतलब होता है, सिस्टम CLS जो होता है हमारी जो स्क्रीन होगी वो क्लियर कर देगी। ठीक है, जैसे यूजर एक दफा गेम प्ले करेगा, जब वो दूसरी दफा गेम प्ले करने लगेगा तो क्या होगा, जो पिछला उसका जितना भी इनपुट्स वगैरह की होंगी या उसका स्कोर डिस्प्ले हो रहा होगा तो वो सारा रिमूव हो जाएगा और न्यू जो उसने करना होगा वो कर लेगा। ठीक है, तो सिस्टम CLS के लिए भी मैं एक हेडर फाइल है जो मैं इंक्लूड यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, जो नेसेसरी हेडर फाइल्स हैं वो मैं ऐसा करता हूँ तमाम ही इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, windows.h, ठीक है, windows.h, और यहाँ पर जो दूसरी हेडर फाइल है मैं वो भी इंक्लूड कर देता हूँ जो कि है सी स्ट्रिंग की। ठीक है, सी स्ट्रिंग की हेडर फाइल मैंने यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि मैंने गेट लाइन का फंक्शन यूज़ किया है जो सी स्ट्रिंग हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है, और मुझे एक और हेडर फाइल की ज़रूरत है जो कि है conio.h, जिसके लिए मैंने लिखा था, जिसकी वजह से, ठीक है, conio.h। ठीक है, अब मैंने नेसेसरी जो हेडर फाइल्स हमारे प्रोग्राम में यूज़ होगी वो मैंने तमाम इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, या यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये डिस्प्ले का फंक्शन बेसिकली होगा क्या, डिस्प्ले का फंक्शन जो है यूज़र को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करेगा कि हमारी ये गेम क्या है, इसके रूल्स क्या है, और आपको इसके अगर आप सही करेक्ट गेस कर लेते हैं वो वर्ड तो आपको क्या इनपुट में, यानी कि आपका स्कोर कैसा होगा। ठीक है, तो मैं ये फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पर। इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले। अब मैंने यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर लिया, इसकी प्रोटोटाइप दे दिया, यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ वॉइड डिस्प्ले डिस्प्ले, और यहाँ पर मैं अब इसकी बॉडी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम ठीक कर लेते हैं डिस्प्ले। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे बॉडी डिफाइन करनी होगी। इसकी बॉडी के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ यही लिखूंगा कि वर्ड सर्चिंग गेम है और अब पजल गेम आपको शो कराई जाएगी, और आपने क्या करना है, उसके अंदर एक हिडन वर्ड होगा और आपने वो सिलेक्ट करना है, और अगर आप सही सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको एक जो स्कोर है आपका इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एंडलाइन कर दिया था। ठीक है, तो ये उसको सिर्फ यही डिस्प्ले करेगा, वो डिस्प्ले जो फंक्शन है उसका बस यही काम है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है कि जो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन होगा वो बेसिकली होगा डिस्प्ले के बाद कॉल। डिस्प्ले के बाद मैं लिखता हूँ स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस गेम फंक्शन। ठीक है, गेम फंक्शन फंक्शन। ठीक है, अब ये गेम फंक्शन क्या है, इसको भी मुझे डेफिनेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। उससे पहले मैं आपको बताऊँ ये काम क्या करेगा। गेम फंक्शन जो है बेसिकली इसके अंदर तमाम हमारा गेम का एक्चुअल कोड होगा, और ये रिटर्न करेगा अगर तो यूज़र सही जो वर्ड है वो पजल के अंदर से गैस कर लेता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये रिटर्न करेगा यूज़र का स्कोर, प्लेयर का स्कोर। अगर ये सही गैस करेगा तो ये वन रिटर्न करेगा, यानी वन यहाँ पर स्कोर उसका रिटर्न होगा और स्कोर के अंदर स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये गेम फंक्शन रिटर्न करता है, यहाँ पर स्कोर के अंदर हमने स्टार्ट में जीरो रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं स्कोर इज इक्वल टू जीरो प्लस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल गेम फंक्शन ने रिटर्न किया वन, यानी कि यूजर ने सही इनपुट गैस किया, ठीक है, वर्ड गैस किया, तो क्या होगा, यहाँ पर रिटर्न वन होगा और वन प्लस जीरो यहाँ पर स्कोर के अंदर स्टोर हो जाएगा वन। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा ना तो इसके अंदर पहले प्लस वन प्लस वन होगा और प्लस यहाँ पर जो गेम फंक्शन दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पर गेम फंक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरी दफा जब यूजर प्ले कर रहा है, प्लेयर गेम प्ले कर रहा है, तो अगर उसने दोबारा से सही करेक्ट गैस कर लिया तो दोबारा से वन रिटर्न होगा और वन प्लस वन यहाँ पर टू आ जाएगा। ठीक है, तो स्कोर के अंदर इस तरह अगर यूजर सही जो वर्ड है वो गैस कर लेगा तो इसके अंदर क्या होगा, स्कोर इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, अब हमने ये गेम फंक्शन जो है अब हमें इसकी भी बॉडी प्रोवाइड करनी होगी, तो सबसे पहले मैं इसको मेन से ऊपर ऐसा करता हूँ, इसकी प्रोटोटाइप दे देता हूँ। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा यूजर का जितना भी स्कोर होगा, तो इस वजह से इसकी जो रिटर्न टाइप है मैंने इंटीजर रख लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने गेम फंक्शन लिख दिया, और अब मैं इसकी बॉडी जो है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी अब बॉडी डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इसकी बॉडी के अंदर हमारा एक्चुअल कोड होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यूजर से नाम पूछेगा, उसके बाद क्या होगा, यूजर ये स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी, और यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल रूल बताएगा कि हमारे ये रूल्स हैं, आपको एक पजल दी जाएगी, उसमें से आपने क्या करना है, एक हिडन वर्ड है वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर उसे जब वो स्कोर के अंदर स्टोर हो जाएगा, अगर वो सही जो करेक्ट गेस करेगा, और उसके बाद उसे पूछा जाएगा अगर आप दोबारा से गेम प्ले करना चाहते हैं या नहीं, अगर वो येस करेगा तो दोबारा से गेम प्ले हो जाएगी, अगर वो नो करेगा तो जो गेम है वो एंड हो जाएगी और सिंपली बाहर आएगा, और ये उसका नेम और उसका स्कोर जितना भी है वो प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। ठीक है, अब हमने इस गेम फंक्शन की अपने जो फंक्शन है इसकी जो है अब हमने बॉडी प्रोवाइड करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं मैं एक स्ट्रिंग की अरे ले रहा हूं। ठीक है, अब स्ट्रिंग की अरे मैं ये यहां पर क्यों ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल आप इसका साइज कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर अब मैं यहां पर इसके अंदर क्या लिखने वाला हूं, सबसे पहले
आप देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मेरे पास एक पजल दी हुई है, ठीक है। इस पजल के अंदर मुझे क्या करना है, एक वर्ड जो है वो स्पेसिफिक सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आप इस वर्ड के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर एक जावा लिखा हुआ है, ठीक है, JAVA, ठीक है, यहाँ पर जावा लिखा हुआ है। और यहाँ पर साइड पर देखें तो लास्ट कॉलम में आपको हेलो दिख रहा होगा, HELLO, ठीक है, यहाँ पर HELLO है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह कोई स्पेसिफिक वर्ड ही सिलेक्ट करना है ना। तो ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी एक डिक्शनरी सी बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ जावा, और यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल C++, और यहाँ पर लिख देता हूँ पाइथन, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और यानी कि इनके अंदर से मुझे जो ये वर्ड्स मुझे सिलेक्ट कर चूज करने होंगे, गैस करने होंगे उस अपनी पजल के अंदर से, ठीक है। तो मुझे ये वाले जो वर्ड्स हैं उनको इस अपनी पजल के अंदर से फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नाम लिख देता हूँ, आप कुछ भी अपनी पसंद का लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इसका नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है, CSS लिख दिया। अब मैं हमारे पास तकरीबन हो चुकी हैं, कोटलिन भी लिख देता हूँ, ठीक है, कोटलिन, यहाँ पर डबल कोट्स में आना था, ठीक है, कोटलिन। और यहाँ पर हमारे पास हो चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और यहाँ पर हम एक और लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल, अच्छा चलिए हम हेलो लिख लेते हैं, और एक में हम लिख लेते हैं हाय, ठीक है। यहाँ पर हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इस अरे का क्या मकसद था यूज़ करने का, इस अरे के अंदर से कोई भी एक रैंडमली हम एक वर्ड रखेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, इस 2D जो मैट्रिक्स है हमारे पास एक तरह का, इस पजल के अंदर प्लेस कर देंगे, और उसको हमने इस वर्ड को हमने फाइंड करना होगा, गैस करना होगा इस पजल के अंदर से। तो ये वाली पजल भी इसका मतलब है पहले मुझे बनानी पड़ेगी। अगर आप ये गौर से देखें तो ये 2D मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है, रोज और कॉलम्स, ठीक है। और ये अगर मैं आप जितना मर्जी इसका साइज रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये कर सकते हैं कि जितना इसका साइज है, ठीक है, आप ये कर लें कि इसको जितना मर्जी लेंथ ही कर लें, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। मगर मैं इसका साइज़ शॉर्ट रखते हुए क्या करूँगा, कम से कम रखते हुए इसका साइज मिनिमम 10 रखूँगा, ठीक है। मैं इसका साइज मिनिमम 10 रखूँगा, यानी 10 रोज़ और 10 कॉलम्स, ठीक है, ताकि इन मुझे फाइंड करने में आसानी हो। तो 10 रोज़ और 10 कॉलम्स का मुझे एक जो है वो क्रिएट करना होगा एक मैट्रिक्स, और इसकी जो डाटा टाइप होगी वो करेक्टेड होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ABCD, यानी कि सिंपली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही हैं, मुझे नंबर्स का कोई भी मैट्रिक्स भी नहीं बनाना। तो मुझे एक बनाना होगा एक मैट्रिक्स जिसकी डाटा टाइप होगी करेक्टर, और उसका नाम रख लेता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर ARR लिख लेते हैं, या फाइंड कर लेते हैं, चले फाइंड, या मैट्रिक्स कर लेते हैं, चले मैट्रिक्स, ताकि उसके अंदर डिफरेंस रहे, ताकि डिस्टिंग्विश करने में हमें इजी हो, ठीक है। और इसका साइज रख लेते हैं 10x10, आप अपनी पसंद का कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक और मेथड ये है कि आप जब इसको डिक्लेयर करते हैं तो साथ ही आप इसको क्या करें, इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी पसंद का लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए, यहाँ पर लिख सकते हैं आप W, और यहाँ पर लिख सकते हैं ई, इस तरह। लेकिन ये बहुत एक लेंथी मेथड हो जाएगा आपको, इसका मतलब है 10x10 इतनी ज़्यादा वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो मैं ये कर लेता हूँ कि मैं रैंडमली जनरेट करवाता हूँ, और मैं हर दफ़ा मुख्तलिफ जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्टोर करवाऊंगा इस अरे के अंदर। तो C++ में कोई भी इस तरह का मेथड नहीं जो क्या करे कि डायरेक्ट हमें रैंडम अल्फाबेट्स जनरेट करके दे। लेकिन हमने एक रैंडम फंक्शन पढ़ा हुआ है जो रैंडम नंबर जनरेट करता है, जो हमने अपनी C++ प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में एक रैंडम नंबर फंक्शन जनरेटर के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में मैंने एक जो अपना पूरा प्रोग्राम एक पूरी वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि रैंडम फंक्शन जो होता है बेसिकली करता क्या है। रैंडम नंबर फंक्शन जो होता है बेसिकली कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, फॉर एग्जाम्पल 1, 100, 12 या 32, इस तरह के रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा। मगर अगर मैं इसको चाहता हूं कि ये किसी स्पेसिफिक लिमिट के अंदर जनरेट करे तो मैं इसके मोड लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं 0 से लेकर 10 तक रैंडम नंबर जनरेट करे तो मुझे क्या करना होगा, 0 से लेकर 10 करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट करूंगा और उसको कन्वर्ट कर लूंगा अल्फाबेट के अंदर, और अल्फाबेट को कन्वर्ट करने के बाद मैं उस अरे के अंदर स्टोर करवा लूंगा। तो ये मैं कैसे करवाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ आर का, ठीक है, और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ करेक्टर का ही, चलें, ठीक है, करेक्टर सी, ठीक है। अब मुझे 10x10 के अंदर, 10x10 का मैट्रिक्स है तो इसके लिए मुझे लूप लगानी होगी, ताकि हर इंडेक्स के ऊपर मुझे कोई ना कोई स्पेसिफिक रैंडम अल्फाबेट रखना होगा। तो i = 0, i < 10, क्योंकि मुझे इसका साइज पता है, ठीक है, 10x10 का है। और यहाँ पर एक इनर लूप होती है जो के कॉलम्स के लिए होती है, और आउटर लूप जो होती है वो रोज के लिए होती है, ठीक है। तो j < 10 और j++, और यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर कुछ कोड लिखना होगा, ठीक है। इस कोड के अंदर मैं क्या करूँगा, जो अरे है यानी मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स के i और j, ठीक है, यहाँ के अंदर मुझे कोई अल्फ़ाबेट रखना होगा, ठीक है, कोई भी रैंडमली अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये वाला अल्फ़ाबेट यहाँ पर मुझे कोई भी रखना होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ कोड लिखना पड़ेगा, वो कोड क्या होगा, यहाँ पर मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करूँगा, ठीक है। मैंने वाइड वेरिएबल इसीलिए यूज़ किया हुआ है, r = random, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ modulus 26, और r में ऐसा करता हूँ कि c = a + r लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने कोड में क्या किया, अभी मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये वाली आप वैल्यू देखें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा, 0 से लेकर 26 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज कर लें कि r =
ये कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करता है, फॉर एग्जांपल जीरो, ठीक है। तो जीरो क्या होगा, जीरो आर के अंदर स्टोर हो जाएगा, और दूसरी लाइन में आके क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए। अब मैंने ये सिंगल कोट्स में लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पर आस्की वैल्यू आएगी, ए की आस्की वैल्यू आपको पता है 97 होती है, ठीक है, प्लस आर के अंदर क्या स्टोर है, जीरो। तो 97 प्लस जीरो इज इक्वल टू 97, और 97 किसकी आस्की वैल्यू है, स्मॉल ए की, ठीक है, स्मॉल ए की आस्की वैल्यू है। तो ये जो स्मॉल ए है ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ये ए सी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसको मैं क्या करूँगा, सिंपली इस मैट्रिक्स के अंदर प्लेस करवा दूंगा, ठीक है, ये करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 25 अगर आ जाता है, तो ये क्या होगा, 25 प्लस 97 और स्मॉल जी अगर आ जाता है तो वो इसके अंदर स्टोर करवाता रहेगा, ठीक है। तो यह क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, आई इज इक्वल टू जीरो और जे इज इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग में आई में भी जीरो है, जे में भी जीरो है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट इंडेक्स पर आएगा, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पहले इसको जीरो यहाँ पर आता है, या फॉर एग्जाम्पल अब हम दूसरी ले लेते हैं, आर के अंदर फॉर एग्जाम्पल वन है, ठीक है, वन अब आर के अंदर स्टोर हो जाएगा, अब क्या होगा, 97 प्लस वन, ठीक है, 97 प्लस वन क्या होता है, 98, ठीक है, 98, तो 98 किसकी आस्की वैल्यू है, बी की, तो इसका मतलब है बी सी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और सी के अंदर जो वैल्यू है वो इस इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या था, जीरो जीरो, ठीक है, यहाँ पर जीरो जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह ये इंक्रीमेंट होता जाएगा ना, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोर हो जाएगा ए, इसके बाद बी, फिर सी, पहले ये ए कॉलम फिल करेगा, उसके बाद दूसरी डो, फिर तीसरी डो, इस तरह तमाम जितने भी कॉलम्स और डोज हैं ये इनको फिल कर देगा, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक जो मेरे पास ये था एक रैंडम मैट्रिक्स, ठीक है, जो रैंडम अल्फाबेट्स का एक मैट्रिक्स है, अभी मैंने वो जनरेट किया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे कोई एक स्पेसिफिक वर्ड लेना है जो कि इस डिक्शनरी के अंदर जो मैंने ऊपर दिया हुआ है, इनके अंदर से कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड लेना है, फॉर एग्जाम्पल पाइथन हो सकता है, और पाइथन को मैंने इस जो पजल है इसके अंदर प्लेस करवा देना, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जावा प्लेस है, यहाँ पर हेलो प्लेस है, तो इसी तरह मैंने इसको रैंडम प्लेस के ऊपर यहाँ पर प्लेस करवाना है। तो अब वो मैं कैसे करूँगा, अब मैं उसका कोड लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी ऐसे करता हूँ, एक इंडेक्स का वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर रैंडम करता हूँ, और यहाँ पर इसको मॉड्यूलस कर देता हूँ 10 से। अब ये क्या हो रहा है, 10 से मैं करूँ, यानी कि मेरे पास 10 वैल्यूज़ है ना, तो मैं इन 10 के अंदर से कोई भी रैंडमली जो वर्ड है वो सिलेक्ट करूँगा, तो इस वजह से मैंने रैंडम फंक्शन किया। अच्छा, रैंडम फंक्शन के लिए भी एक हेडर फाइल ज़रूरी होती है, वो मैं पहले ही इंक्लूड कर दूँ, हैश इंक्लूड CSTDLIB, ठीक है। ये हेड इसके इस जो ये जो हेडर फाइल है इसके अंदर क्या डिफाइंड है, इसके अंदर हमारे पास जो रैंडम फंक्शन है वो डिफाइंड है, ठीक है। इसी तरह कोनियो जो डैज जो है उसके अंदर जो है वो हमारा सिस्टम क्लियर है, ठीक है, और सी स्ट्रिंग है उसके अंदर गेट लाइन डिफाइंड है, आईओ स्ट्रीम तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती है, ठीक है। तो अब मुझे रैंडम नंबर रैंडम वर्ड है इसे ये सिलेक्ट करना है, और अरे के अंदर ये 2D मैट्रिक्स के अंदर प्लेस करना है। अब इसके पास भी मेरे पास दो ऑप्शन हैं, एक तो मैं वर्टिकली प्लेस कर सकता हूँ, जिस तरह आप देखें इस मैट्रिक्स के अंदर हेलो जो है लास्ट कॉलम में है, और आप ये देख सकते हैं कि जावा जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस है, यानी कि एक तो वर्टिकली मैं प्लेस कर सकता हूं और एक मैं हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सकता हूं। तो मैं दोनों प्लेस कर देता हूं ताकि जो यूजर है उसको गैस करने में थोड़ी डिफिकल्टी आए, ठीक है, ताकि ये ना हो कि वो बार बार सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली में उसको मिल रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही सर्च करेगा, वर्टिकली तो सर्च करेगा ही नहीं। तो मैं ये कंडीशन निकाल लेता हूं कि अच्छा यहां पर मैं कंडीशन निकाल लेता हूं कि अगर जो मेरे पास अरे है, ठीक है, इसका जो मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया इंडेक्स, ठीक है, उसकी जो लेंथ है, लेंथ का फंक्शन हम अपने C++ प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम किसी भी जो स्ट्रिंग है उसकी जो साइज़ है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर ये इवन आ जाता तो ये एग्जीक्यूट हो, अगर ये ओड आ जाता तो ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है ये एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स में आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है जीरो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इसने रैंडम नंबर जीरो जनरेट किया है, तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अब ये देखेगा अरे के जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, अरे के जीरो इंडेक्स पे जावा पड़ा हुआ है, ये जावा की लेंथ कैलकुलेट करेगा, जावा के अंदर कितने अल्फाबेट्स करेक्टर्स हैं, चार करेक्टर्स हैं, ठीक है, एक दो तीन चार, चार करेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर, ठीक है। ये क्या करेगा, फोर मॉडुलस लेगा टू से, ठीक है, फोर मॉडुलस टू, इसका मतलब है इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये एक इवन नंबर है। तो अगर ये इवन नंबर है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दूंगा अपने जो यहाँ पर अल्फाबेट्स रैंडम का मेरे पास जो पजल है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि मैं इस तरह जावा को प्लेस कर दूंगा, ठीक है। मगर अगर ये क्या है, अगर ये ओड है, फॉर एग्जांपल इसकी जो लेंथ है वो ओड है, फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं C++ इसका जो साइज है वो है 3, ठीक है, इसका साइज 3 है, तो ये क्या करेगा, ये इसको वर्टिकली प्लेस कर देगा, यानी जिस तरह यहाँ पर अब ये देख सकते हैं हेलो प्लेस है, ठीक है। अब मैं उसका कोड लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ वर्टिकली, ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग और आउटपुट और इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखता हूँ अरे और यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है। ये मैंने कुछ नहीं किया, बस ये किया कि यहाँ पर मैंने जो इंडेक्स यानी कि जो मैंने सेलेक्ट किया अरे के अंदर से उसको मैंने स्टोर करवा लिया एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, जो आगे मुझे हेल्पफुल होगा। अब मुझे क्या करना है,
सिंपली मुझे इस जो ये वाला मेरे पास इसके अंदर से सिलेक्ट होगा कोई भी वर्ड, इसको मैंने प्लेस करवाना है अरे के अंदर, ठीक है। अब वो मैं कैसे प्लेस करवाऊंगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल लेना होगा इंट का रो इज इक्वल टू रैंडम, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉडुलस 10, और इसके अलावा मैं लिखता हूँ इंट कॉलम इज इक्वल टू रैंडम, दोबारा से रैंडम फंक्शन जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या करेगा मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ये बेसिकली करेगा ये इसके पास ऑप्शंस हैं रो 10 और कॉलम 3 की, रो 10 और कॉलम 3 की क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोई बड़ा वर्ड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल पाइथन है, ठीक है। इसका साइज देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि इस पाइथन को मैं प्लेस करवाता हूँ इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पर रैंडम नंबर फॉर एग्जाम्पल जनरेट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्लेस करवाना शुरू हूँ तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले पी, इसके बाद आएगा वाई, ठीक है, यहाँ पर आएगा टी, और यहाँ पर आएगा एच, ठीक है। तो इसका मतलब है बाकी तो मैं स्ट्रिंग प्लेस ही नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है यहाँ पर तो मैं प्लेस नहीं कर सकता, तो मैं इसको क्या करूँगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी है कि रोज तो इसके पास 10 है, यानी ये किसी भी रो के अंदर प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉलम की इसके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, यानी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर आता है 3 के अंदर, ठीक है, ये 0 1 2 3, यानी कि इसके पास सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन है, इनमें से किसी के अंदर से भी पहला इंडेक्स प्लेस होगा। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर करता हूँ पी, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा वाई, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा टी, और यहाँ पर आ जाएगा एच, और यहाँ पर ओ, और यहाँ पर एन, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देखें पाइथन इजीली यहाँ पर प्लेस हो चुका है अपने जो हमारे पास पजल है उसके अंदर, ठीक है। मगर अगर मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स इतनी आगे आ जाएगा तो बाकी स्ट्रिंग यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसकी कंडीशन रखी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब इसको प्लेस करवा दूंगा इंट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ उस अरे के जाए इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, और उस इंडेक्स के ऊपर जाकर यहाँ पर ऐसा करते हैं आई लिख लेते हैं, ठीक है, और नॉट इज इक्वल टू बैक स्लैश 0, ताकि जब तक इसको नल करेक्टर नहीं मिलता ये क्या करता रहेगा, ये इंक्रीमेंट करता है, ये लूप चलती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोड लिख लेता हूँ कॉलम प्लस 1, ठीक है, कॉलम प्लस 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये क्या लिखा है, यानी कि कॉलम तो प्लस प्लस होते रहेंगे लेकिन रो वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहता है यानी कि फॉर एग्जाम्पल 8th रो पर आ जाओ, ठीक है, या 7th रो पर आ जाओ, ठीक है, 7 0 से स्टार्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर आता है तो रो यही रहेगी, लेकिन मैंने क्या यहाँ पर लिखा है कॉलम में इंक्रीमेंट करते जाओ, यानी कि पहले ये इस कॉलम में प्रिंट करेगा, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, कॉलम यानी एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। मगर आप देखें मैंने रो को इंक्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि यानी कि ये जिस रो में है उसी में प्लेस करता रहे, ठीक है। ये ना हो कि ये पहले रो, ये अगर मैं रो में भी इंक्रीमेंट कर दूं तो ये पहले पी यहां पर प्लेस करेगा, फिर दूसरा यहां पर प्लेस करेगा, कॉलम भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहां पर टी प्रेस करेगा, तो ये गलत सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस वजह से यहाँ पर किया। अब मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स की जो मेरे पास 2D अल्फाबेट की अरे है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंडेक्स यहाँ पर सच आई जे आना है, ठीक है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, रो और यहाँ पर है कॉलम, और यहाँ पर है जो मेरा पास जो मैट्रिक्स है उसका नाम जो मैंने रखा हुआ है वो बेसिकली अरे है, ठीक है, और अरे क्या यहाँ पर आए, और यहाँ पर क्या करें आई पे, यानी कि उस रो के, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर आएगा इंडेक्स और यहाँ पर आएगा आई और यहाँ इज इक्वल टू सेमी कॉलन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अरे के इंडेक्स पे जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, अरे के इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आपको कमेंट्स में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका क्या मतलब है इस लाइन का, ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो अरे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास आ जाता है 0 तो ये अरे के 0 इंडेक्स पे जाए, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, जावा, जावा के फर्स्ट करेक्टर पे जाए, ठीक है, आई के जो मैंने सब स्टार्ट किया 0 से, और नॉट इज इक्वल टू नल करेक्टर, ठीक है। स्ट्रिंग में बाई डिफॉल्ट क्या होता है, नल करेक्टर से एंड होता है, ठीक है, करेक्टर अरे में आपको लिखने की जरूरत होती है, मगर आप स्ट्रिंग जो यूज़ करते हैं उसमें आपको ना भी लिखे तो काम चल जाता है। तो आप क्या करेगा, ये करेक्टर बाय करेक्टर जाएगा और करेक्टर बाय करेक्टर क्या करेगा, 2D अरे के अंदर प्लेस कर देगा। 2D अरे हमारे पास ये है, ये पहले यहाँ पर प्लेस करेगा जे ए वी ए, ठीक है, तो इस तरह ये प्लेस करता जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक हॉरिजॉन्टली के लिए तो लिख लिया हुआ है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है वर्टिकली भी के लिए भी लिखना होगा, ठीक है। मैं इससे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बस मुझे एक माइनर सा डिफरेंस करना होगा, ठीक है। वर्टिकली के लिए भी आता हूँ और यहाँ पर ये लिखता हूँ, और यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखना है 3 और यहाँ पर लिखना है 10 और यहाँ पर मुझे क्या करना है रो में इंक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है। ये भी सिंपल जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सेम वही कंडीशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम आगे आते हैं, ठीक है।
यहाँ पे अब मैं ऐसा करता हूँ कि यूज़र से भी इनपुट लेनी है ना कि क्या यूज़र इनपुट करता है, यूज़र गैस क्या इनपुट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैस, इसका नाम रख लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट और एंटर। या अच्छा यहाँ पर मैं एक और आपको इस चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने सम्स गेम में देखा होगा कि अगर यूज़र गैस नहीं कर पाता तो उसको गैस की हिंट की इनपुट भी दी जाती है, ठीक है। यानी कि वो क्या करे, हिंट ले ले कि यार ये वर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रेस, यहाँ पर डबल कोट्स में लिखना था, ठीक है, प्रेस 1 4 डायरेक्ट गैस इनपुट, ठीक है, और एंड लाइन करता हूँ। और मैं यहाँ पर दूसरी लाइन में लिखता हूँ सी आउट और प्रेस, डबल कोट्स में लिखना था, ओके, प्रेस 2 4 फोर सी फोर फर्स्ट क्लियर सी, ठीक है, फोर फर्स्टली सी इनपुट या हिंट लिख लेते हैं एंड देन गैस इनपुट, ठीक है। यहाँ पर इसको ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइपिंग मिस्टेक ना आए, ठीक है, एंड देन एंटर इनपुट, ठीक है। और यहाँ पर मैं एंड लाइन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सी आउट और एंटर इनपुट, ठीक है, एंटर इनपुट, ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेस, उसके बाद कोलन, और इसके बाद यहाँ पर सी इनपुट, और यहाँ पर हिंट लिख लेता हूँ, और यहाँ पर सी आउट एंड लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले यूज़र को कहेंगे कि आपके पास यार ये मेन्यू है, ठीक है, आप अगर डायरेक्ट गैस इनपुट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी आपकी वो डिक्शनरी तेज़ है, यानी आप अच्छे माइंड के हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट गैस इनपुट करेंगे, या आप पहले हिंट देखना चाहते हैं कि इसका हिंट क्या होगा, ठीक है। आपको साइड पर मेन्यू पे भी शो हो जाता होता है सम्स गेम में, तो आप पहले हिंट देखेंगे और उसके बाद गैस इनपुट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो इनपुट जो गैस करने में ईजी हो। क्योंकि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं उसके 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है, एक होता है सबसे पहले एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी, एक होता है एक जो मीडियम यानी मीडियम खेल सके, या एक लो के लिए होता है और एक हाई के लिए होता है, यानी एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, यानी कि डिफ़िकल्ट गेम हो तो आपके लिए उस, अगर जो कोई डिफ़िकल्ट गेम खेलना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो हिंट नहीं देखेगा, वो सिंपली डायरेक्ट इनपुट करेगा, ठीक है। अगर कोई डिफ़िकल्ट गेम नहीं खेलना चाहता यानी उसका वीक है, तो वो क्या करेगा, पहले हिंट देख लेगा और उसके बाद गैस इनपुट करेगा। अब मैं हिंट में क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ, अगर हिंट में इज इक्वल टू 1 है तो वो क्या करे, सी आउट, और ऐसे अच्छा यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ कि इनपुट तो हमने करना ही है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी आउट इन, सी इन लिखना है, सी इन, और यहाँ पर गैस का मैंने वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है, सी एंटर, ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ सी आउट एंड लाइन भी कर देता हूँ, ठीक है, एंटर गैसिंग वर्ड, ठीक है, एंटर गैसिंग वर्ड, और यहाँ पर कोलन, और यहाँ पर स्पेस, और यहाँ पर एंड लाइन कर देता है, ठीक है। अच्छा, अगर यानी कि यूज़र डायरेक्ट इनपुट करना चाहता है तो उसको ये शो होगा, और अगर वो क्या करना चाहता है, एल्स इफ, अगर तो वो क्या करना चाहता है, वो पहले गैस देखना चाहता है उसके बाद इनपुट करना चाहते हैं, तो हम उसको गैस इनपुट में क्या शो करवा सकते हैं, द गैस वर्ड साइज, ठीक है, साइज आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इनपुट आउटपुट में आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, हम साइज उसका कर लेंगे, ठीक है। तो जो अरे इसको मैंने आउटपुट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसको शो करवा दूंगा। अगर वो हिंट देखना चाहता है तो मैं कहूँगा कि जो गैसिंग वर्ड है, गैसिंग वर्ड साइज इज, और यहाँ पर मैं उसको गैसिंग वर्ड साइज यहाँ पर प्रिंट करवा लूंगा, ठीक है। और आपको पता है कि स्ट्रिंग का साइज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डॉट लेंथ फंक्शन है, साइज फंक्शन भी है, लूप से भी कर सकते हैं, अगर मैं प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करूँ ताकि हमारे लिए इजी रहे और टाइम शॉर्ट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अगर तो यूज़र सबसे पहले इनपुट देखना चाहता है यानी वो डिफिकल्ट गेम खेलना चाहता है, वो डायरेक्ट इनपुट करना चाहता है, तो वो सिंपली यहाँ पर करेगा एंटर इनपुट गैसिंग वर्ड, ठीक है। मगर अगर वो पहले हिंट देखना चाहता है उसके बाद इनपुट करना चाहता है, तो मैं यहाँ पे पहले उसको हिंट दिखाऊंगा उसके बाद उसे इनपुट मांगूंगा। अब लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर वो इनपुट ही गलत कर देता है, तो मैं यहाँ पर एक एल्स का केस भी लिखा देता हूँ जिसमें क्या होगा, उसको शो हो जाएगा कि एंटर वैलिड इनपुट, ठीक है, इसको डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एंड लाइन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एंड लाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं गो टू का लेबल लगा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लूप लगाना चाहूँ तो वो मैं लगा सकता हूँ, लेकिन उसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर गो टू का लेबल लगा देता हूँ, और गो टू का लेबल यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल उसको शो होगा, सबसे पहले शो होगा फॉर, यानी कि अगर वो इनपुट में सबसे पहले इनपुट करना चाहता है तो उसका ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो क्या करना चाहता है, पहले हिंट देखना चाहता है उसके बाद इनपुट करना चाहता है, तो उसको ये वाला पार्ट शो होगा, ठीक है। मगर अगर फॉर एग्जाम्पल वो 1 2 एंटर नहीं करता, वो फॉर एग्जाम्पल 4 एंटर कर देता है, तो क्या होगा, एल्स का केस एग्जीक्यूट होगा और उसको शो होगा एंटर वैलिड इनपुट, ठीक है, और गो टू ए पढ़ाएगा, और यहाँ पर ए पढ़ाएगा लेबल, जो कि हमारे पास लेबल है, और यहाँ पर दोबारा से वो उसको इनपुट करनी पड़ेगी, ठीक है।
अच्छा, अब हमें लास्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंपेयर ही करना है, ठीक है, जो हमारे पास आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, फॉर एग्जांपल जावा हो सकती है, और जो यूजर ने इनपुट किया है जिसके लिए हमने गैस का वेरिएबल लिया था, अगर वो सही गैस कर लेता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गैस द राइट वर्ड, ठीक है, इन द पजल, ठीक है, हम उसको ये शो करा देंगे, ठीक है। और अगर तो वो अच्छा यहाँ पर अगर वो इसका क्या मतलब है, अगर तो वो सही इनपुट कर लेगा तो उसको शो होगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस द राइट वर्ड इन द पजल, और हम रिटर्न वन कर देंगे। रिटर्न वन का क्या मतलब है, उसको वन पॉइंट मिल गया, उसका वन स्कोर हो गया। मगर अगर वो सही नहीं गैस कर पाता, इसका मतलब है कि आउटपुट इज नॉट इज इक्वल टू गैस, यानी कि इसके अंदर जो स्टोर है, अरे के अंदर जो वर्ड स्टोर है वो नॉट इज इक्वल टू क्या है, जो यूजर ने गैस किया, तो इसका मतलब क्या है कि उसको हम कह देंगे कि सॉरी You guessed the wrong word, ठीक है, उसको हम सिंपली ये शो करेंगे, एंडलाइन करेंगे, और यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न जीरो लिख देते हैं, ठीक है। रिटर्न जीरो का क्या मतलब है, उसको कोई स्कोर नहीं मिलेगा और उसका स्कोर जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ, सी यहाँ पर एक अरे का बैक स्लैश जीरो है, ठीक है, बैक स्लैश जीरो। अच्छा, अभी हमने अरे ऐसा हमने प्रिंट नहीं करवाई है, ठीक है, हमने जो 2D अरे है, यानी ये जो हमारे पास पजल थी वो हमने प्रिंट नहीं करवाई है, तो अभी हमने इसको प्रिंट भी करवाना है। तो यहाँ पर हमने पहले यूज़र से इनपुट लेने से पहले इसको हमें दिखाना भी होगा कि ये हमारी इस पजल है, इसके अंदर से आपने सेलेक्ट करना, ठीक है, सी आउट, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पजल, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेता हूँ पजल, ठीक है, और यहाँ पर एंडलाइन करता हूँ, और यहाँ पर दो दो एंडलाइन कर लेते हैं, चले, ठीक है। और यहाँ पर अब मुझे वो जो हमारे पास 2D अरे है 10x10 की, उसको मैंने प्रिंट करवाना है, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा। आउटर लूप जो होगी वो सिंपली होती है, हमें पता है कि रोज के लिए होती है, और जो इनर लूप होती है वो हमें पता है कि वो कॉलम्स के लिए होती है, ठीक है। और इसका साइज मुझे पता है जे 10x10 की है, तो मैंने इस वजह से कंडीशन लगाई है आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 10, और जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन 10। और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करवाऊंगा, उसको प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। और मेरे पास वो अरे का नाम है मैट्रिक्स आई और जे, ठीक है, ये पहले जीरो इंडेक्स प्रिंट करेगी, फिर दूसरा इंडेक्स प्रिंट करेगी, इस तरह ये प्रिंट करती रहेगी। और यहाँ पर मैं एक और फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ स्लीप का, और इसका मैं 100 रख लेता हूँ, ठीक है। ये स्लीप का फंक्शन बस करेगा क्या, ये थोड़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी डिले करेगा, एक इनपुट पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद दूसरी जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले पहले हम अपना कोड एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एरर आ रहा है लेंथ का, ठीक है, इसको ये यहाँ पर कमेंट करना है, ठीक है, मैं इसको कमेंट सेक्शन में कर देता हूँ, और यहाँ पर अब इसको रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये लेंथ के जो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है, तो मैं इसको लेंथ के स्पेलिंग से इसे ये लिख देता हूँ, ठीक है, लेंथ की स्पेलिंग ये है, और उसके बाद इसको मैं रन करता हूँ। और अच्छा, मैंने यहाँ पर भी लेंथ की स्पेलिंग ठीक गलत लिख दी है, LENGTH, ठीक है, LENGTH, यहाँ पर स्पेलिंग आपने मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप वैसे साइज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ सिंपली, और अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ठीक है, अब हमारा यहाँ तक गेम तक तो अच्छा एंटर इनपुट नेम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक मैं ऐसे एक और चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पर आपको, यहाँ पर जब मैंने प्रिंटिंग करवाई है ना, तो ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करवाया था, जब इसको प्रिंट करवाया था, तो यहाँ पर जब ये बाहर आता है तो मैं यहाँ पर एंड लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर फॉर्मेट में आए, ठीक है। यहाँ पर बैक स्लैश एन भी लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और ऐसा करता हूँ, बैक स्लैश एन लगाता हूँ, बैक स्लैश एन। अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैं इजाफी बैक स्लैश एन लगाई जा रहा हूँ, लेकिन आपको बाद में ये पता चलेगा कि मैं बैक स्लैश एन यहाँ पर क्यों ज़्यादा लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए होता है, ताकि हर लाइन के अंदर थोड़ा डिफरेंस रहे, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको फाइनली रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अभी प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले मुझसे नेम मांग रहे हैं, एंटर इनपुट नेम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एंटर नेम करता हूँ हेनरी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी इस तरह ये जो आपने देखा, मैंने स्लीप का एक फंक्शन यूज़ किया था, वो इसीलिए यूज़ किया था ताकि मेरी जो आउटपुट है कंसोल के ऊपर वो इस तरह प्रिंट हो, ठीक है। ये आप देखें 10-10 मिली सेकंड्स का फासला देकर, यानी टाइम देकर ये फिर प्रिंट कर रहा था, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ये क्या करवाना चाहता है, यानी मैं डायरेक्ट इनपुट करना चाहता हूँ या मैं फर्स्टली गैस इनपुट करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ट्राई करूँ यहाँ पर, आप कुछ वर्ड सेलेक्ट करना चाहें तो ये देखें स्केला SCALA, ठीक है, आपको वर्ड पहले ही मिल गया, ठीक है, जो मैंने अपनी डिक्शनरी में लिखा था। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं डायरेक्ट इनपुट करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेसिंग इनपुट में स्केला, और यहाँ पर एंटर, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस द राइट वर्ड इन द पजल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब वो मुझसे पूछा वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, येस और नोट, फॉर एग्जाम्पल मैं वाई करता हूँ तो ये क्या करेगा, दोबारा से गेम मुझे प्ले करके दिखाएगा, और यहाँ पर दोबारा से मुझे बोर्ड शो किया जाएगा, पजल शो की जाएगी, जिसके अंदर से मुझे स्पेसिफिक वर्ड सेलेक्ट करना है। अब मुझे पहले ही यहाँ पर पता, इसके अंदर से मुझे पहले सर्च करना होगा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ओके सी सी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर
ऐसा करता हूँ कि मुझे वो वर्ड नहीं मिल पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, प्रेस टू करूँगा फॉर फर्स्टली सी द हिंट, यानी कि मैं पहले मैं ऐसा करता हूँ कि हिंट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो अब वो मुझे कह रहा है कि गेसिंग वर्ड साइज इज 3, यानी कि जो इसके अंदर एक जो हिडन वर्ड है उसका जो साइज है वो 3 है। तो आप देखें यहाँ पर 3 से मुझे समझ लग रही होगी यहाँ पर या तो PHP होगा या C++ हो सकता है। ठीक है, ये देखें C++ लास्ट वाले कॉलम में है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ C++, एंटर करता हूँ। ये देखें कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेस द राइट वर्ड इन द पजल। तो अब वो मुझे दोबारा पूछा वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, अगर मैं दोबारा वाई करूंगा तो ये क्या करेगा, दोबारा से मुझे इनपुट में शो करेगा इस तरह। ठीक है, तो ये स्लीप फंक्शन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो इसीलिए किया था ताकि ये विद अ पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा मिली सेकंड का टाइम देकर फिर ये अपनी जो इनपुट है वो आता है। ठीक है, अच्छा मुझसे पूछा कि एंटर डायरेक्ट 1 और 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं हिंट ही कर लेता हूँ, मुझे से तो नहीं ढूंढा जा रहा है। ठीक है, मैं 2 करता हूँ और ये मुझसे कह रहा है कि गेसिंग वर्ड का साइज़ है 3। ठीक है, ओके, सो मुझे 3 का साइज़ यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे वो ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है वो वर्ड। ठीक है, अच्छा तो हम ढूंढ लेते हैं थोड़ा। ओके, वर्ड साइज का 3 है। ठीक है, पहले कॉलम में तो कोई नहीं है, रो में भी कोई नहीं है, दूसरे ये देखें PHP, ये आप देख सकते हैं PHP दूसरे कॉलम में मिल रहा है। ठीक है, दूसरे ही रो में दूसरे कॉलम में PHP मिल रहा है और इसका साइज PHP 3। ठीक है, तो इस वजह से मैंने हिंट का यूज़ किया है ताकि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है जो गेस नहीं कर पा रहे, डिफिकल्ट गेम नहीं खेल पा रहे, तो वो क्या करेंगे, सिंपली दूसरा इनपुट करेंगे और वो पहले हिंट देख लेंगे यानी कि मैक्सिमम वर्ड का साइज 3 है, तो उनको पता चल जाएगा कि जो हमने वर्ड फाइंड करना है उसका साइज 3 है। तो यहाँ पर PHP है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP और एंटर करता हूँ और ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेस द राइट वर्ड। अब वो मुझसे पूछा वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, अब मैं कहता हूँ कि नो, क्योंकि वो काफ़ी खेल लिया, मैं 3 दफ़ा खेल लिया और मैं नो करता हूँ और ये क्या करेगा, सिंपली मेरी जो गेम है वो एंड हो जाएगी और मेरा स्कोर जो है वो प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख रहा है हेनरी योर स्कोर इज 3। ठीक है, मैंने 3 दफ़ा सही इनपुट की थी, सही दफ़ा मैंने जो वर्ड है वो पजल के अंदर से करेक्ट सेलेक्ट किया था, चूज़ किया था, गेस किया था, तो मेरा स्कोर है 3 और यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया और जो मेरी गेम है वो एंड हो चुकी है। ठीक है, सो ये हमारा आज का जो प्रोजेक्ट था वो था, उसके अंदर हमने एक पजल गेम बनाई जिसके अंदर से हमने एक स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करना था। ठीक है, आपको दोबारा से प्ले करके दिखाता हूँ, सबसे पहले आपसे नाम पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ जानी जान। ठीक है, और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और ये मुझे इस तरह से शो करवाएगा। ठीक है, ये वैसे इंटरेस्टिंग है, इस तरह आपको कंसोल के ऊपर ये मिली सेकेंड्स का थोड़ा टाइम डिले करके आपको जो पजल का है वो प्रिंट करवाता है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह ये प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अब मुझे दोबारा से पूछेगा एंटर इनपुट, अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, डायरेक्ट इनपुट करना चाहता हूँ तो मैं 1 सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इनपुट फॉर एग्जांपल गेसिंग वर्ड, अब मैं ऐसा करता हूँ तुक्का लगा लेता हूँ, स्केलर लिख लेता हूँ और एंटर करता हूँ और ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेस द राइट वर्ड। अच्छा तो ये देखिए ये एंड लास्ट कॉलम पर लिखा हुआ है SCALA। ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने सही करेक्ट किया। अब मैं कह रहा वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, अगर मैं एन करूँगा तो ये सिंपली गेम एंड कर देगा और जानी जान योर स्कोर इज 1। ठीक है, तो ये सिंपली मेरा जो स्कोर है वो प्रिंट कर देगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज इस प्रोजेक्ट में हमने देखा कि हम एक जो पजल गेम है, वर्ड पजल गेम, सर्चिंग गेम जो है वो कैसे बना सकते हैं अपने C++ के अंदर। ठीक है, सो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम वीडियोस इंसर्ट करना सीखेंगे कि हम C++ में वीडियोस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और उससे जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इमीडिएट सिस्टम भी अभी हमने प्रोजेक्ट उसका देख रहे हैं, इंशाल्लाह अभी हम देखेंगे कि हम वो कैसे बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ नहीं लगी तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट गेम्स हम कैसे कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।